हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज की हमारी कविता है जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक में से ली गई है, जिसका नाम है भारत गौरव, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ पर भारत गौरव यानी कि भारत देश यानी कि हमारी भारत माता के गौरव की बात की जा रही है। भारत जो है वो संसार के सबसे पुराने देशों में से एक है और यहाँ के जो प्राचीन निवासी थे वो आर्य कहलाते थे। वे बहुत ही वीर और शिक्षित और सभ्य एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रहने वाले लोग थे। विद्या की बात की जाए देवर एजुकेटेड और कला कौशल भी जो था उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परिपक्व थे। उन्होंने ही सारे संसार को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया है। तो ये जो कविता है हमारे स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का बहुत ही सुंदरतापूर्वक चित्रण करते हुए ये जो कविता है हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टेंजा वाइज पढ़ के हम देखते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। तो यहाँ पर कवि जो वो कहते हैं कि वो स्थान कहाँ है जिस पर पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को गर्व है और जो प्रकृति की क्रीड़ा भूमि का मतलब होता है खेल स्थली, जो प्रकृति की खेल स्थली है। क्या है प्रकृति की खेल स्थली? वो स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ पर इसे प्रकृति की खेल भूमि यानी कि प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर हिमालय है और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। और ये दुनिया के संपूर्ण देशों में, सब देशों में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कर्ष है, सबसे उन्नत है। ये देश कौन सा है? ये ऋषि भूमि भी कहलाती है। ये कौन सा देश है? हमारा भारतवर्ष, जिसको हम ऋषि भूमि के नाम से भी कभी कभी संबोधित करते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो आगे कवि कहते हैं, हाँ ये बूढ़ा भारतवर्ष जो है, ये वृद्ध, देखिए भारतवर्ष को क्या कहा गया है, यहाँ पर वृद्ध कहा गया, भारतवर्ष वृद्ध, बूढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर का मतलब होता है मुकुट कह सकते हैं, यानी कि सबसे श्रेष्ठ, सबका सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तो पूरे संसार का जो श्रेष्ठ सिरमौर कौन है? ये हमारा बूढ़ा भारतवर्ष ही है। और ऐसा पुरातन देश, पुरातन मतलब होता है पुराना, तो ऐसा पुराना जो देश है, क्या दुनिया में कोई और है? तो हमारे भारतवर्ष की तरह पुराना और सर्वश्रेष्ठ देश दुनिया के अंदर कहीं और नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान पहले बनाए, जो भी भवभूतियां यानी कि जो भी स्थान, जो भी विचित्र चीजें जो बनाई भारत भगवान ने, वो सबसे पहले भारत में ही बनाई। हर चीज जो दुनिया में है, जो खास है, वो सबसे पहले भारत में ही बनाई गई हैं। उनका प्रथम संग्रह यानी कि पहला जो भंडार जो था वो भारत में ही किया गया, यानी कि जो भी नई नई चीज़ें बनी, पहली सबसे पहले जिस भी चीज़ को तैयार किया गया, वो सब पहले भारत में ही हुई हैं। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है, यानी कि नर सृष्टि, मानव सृष्टि का जो विस्तार किया गया यानी कि उसको आगे बढ़ाया गया है, उसके विस्तार करने का जो कार्यक्रम था वो भी यहीं से शुरू किया गया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। तो आगे कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की जो पवित्र भूमि है, पवित्र धरती जो है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको पुण्य भूमि कहा गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, नेटिव लोग से, उनको आर्य कहा जाता है। उन्होंने ही सारे दुनिया को, पूरी दुनिया को विद्या और कला कौशल पढ़ाया है, यानी कि हम लोग ही
कला कौशल और विद्या देने वाले दुनिया को व्यक्ति हैं, हम लोगों ने ये सब कुछ दुनिया को दिया है। यद्यपि उन आर्यों की संतान, यानी कि आज अगर हम बात करें, आज अपनी बात करें, तो आज हमारी जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो इतनी अच्छी नहीं है। आज हमारी दशा बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी उनकी उच्चता, यानी कि जो हमारे आर्य थे, जिन्होंने हमारा, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो उच्चता, उनकी जो श्रेष्ठता के जो चिन्ह थे, जो निशान थे, वो आज भी खड़े हैं। आप देखिए, भारत में आज भले ही हम कुछ भी कहें, लेकिन भारत का जो इतिहास है वो विश्व में सबसे रिच माना जाता है। हमारा कल्चरल हेरिटेज, जो कि आप सोशल साइंस में 10th में पढ़ने वाले, पूरा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है, ये हमारे धरोहर हैं, हमारा हेरिटेज है। तो ये आज भी चिन्ह तो आज भी हमारे पास है। आज भी अशोक द्वारा बनाए गए जो पिलर्स थे, वो आज भी पड़े हैं। हमारी ये उच्चता की निशानियां हैं। भले आज हमारी स्थिति खराब है, लेकिन हम कितने उच्च हैं वर्ल्ड में, वो आज भी उसके उदाहरण हमारे सामने हैं। वे आ रहे ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित सब जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि वे आर्य ही थे जो अपना जीवन कभी अपने लिए नहीं जीते थे, यानी कि उनका ये मानना था कि ये जो जीवन है वो उनका नहीं है, वो जीवन को कभी अपना समझते ही नहीं थे, वो स्वार्थ भाव से कभी जीवन नहीं जीते थे। उनका बस एक ही उद्देश्य होता था कि दूसरों के लिए जीना। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था, यानी कि वो अपने लाभ के लिए, कि मुझे अपने फायदे के लिए कुछ करना, ऐसा उनको कभी फील होता ही नहीं था। और संसार के उपकार हित, यानी कि संसार के भले के लिए, संसार की अच्छाई के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए ही आर्य जो थे वो जन्म लेते थे। और निश्चेष्ट होकर, यानी कि निष्क्रिय होकर, वो बैठ ही नहीं सकते थे कभी। निष्क्रिय मतलब होता है एकदम साइलेंट, एकदम स्टिल, निर्जीव होकर, जैसे कि पत्थर है, पत्थर जो है निर्जीव है, वो पड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आजू बाजू में कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो निश्चेष्ट होकर आर्य कभी नहीं बैठते थे। उनका काम होता था कर्म करना और दूसरों की सेवा करना, और इस काम में वो अपना पूरा जीवन बिता देते थे। तो कवि ने हमारे सामने भारत जो है उसको कितना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करवाया है हमारे सामने इस कविता के द्वारा प्रस्तुत करके। तो भारत जो कि दुनिया के प्राचीन देशों में से एक है, और दुनिया को हमने बहुत सारी चीज़ें, आप अगर कक्षा 10 में जब आप आएंगे तो आप सोशल साइंस का जो हमारा चैप्टर रहेगा, पहले 7 चैप्टर जो है वो हेरिटेज से जुड़े हुए हमारे, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि किस प्रकार भारत जो है वो इतना ज़्यादा समृद्ध देश है शुरू से। इवन हम बात करें जनरल सी, तो आज भी हमारे पास जो हमारे दुनिया के जो सबसे कीमती हीरे जो थे, द ग्रेट मुगल और कोहिनूर, ये भी भारत के पास ही थे, जिसे अंग्रेज हमसे चुरा कर ले गए। तो ये थी हमारी कविता भारत गौरव। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।